बच्चों कल ही आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग है ना। अभी इन क्वेश्चनों को मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये तीन क्वेश्चन मैंने कल दिया था ना बेटे, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमने आपको सॉल्व करके दिखाना है SO4-2 का। तो ये देखो SO4-2 का पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बेटा। ऐसा बनेगा, यहां डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो ऐसा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो मेथड था ये देखिए इधर, क्या था बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख रहे हो, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। और एक आर्किटेक्टिक मेथड ही बताया था हमने। अब कंसेप्ट को आप देखो बेटे कि रेजोनेंस इसका पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, बॉन्ड को इधर उधर घुमाते हैं। यार नंबरिंग कर दो पहले बेटा, नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। सानिया यार मैं आज पक्का अपलोड कर दूंगा यार, अभी लेक्चर ओवर होने पे। कल क्या है ना, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, मेरा लैपटॉप भी ऑफ हो गया था। और रात में मैं उधर से आया और सो गया, मतलब अभी जगा हूँ, जस्ट थक गया था बहुत ज्यादा कल यार। कल लेक्चर ले लेते हैं ना। सानिया आप बोल नहीं रहे हो, गुस्सा हो गए हो क्या कि सर लेक्चर अपलोड नहीं किए अभी तक। मैं अभी कर दूंगा ना बेटा, कल आप लोग की इवनिंग में वो लेक्चर थी ना फिजिक्स की, मुझे लगा आप लोग ऐसे भी देखोगे नहीं। आज छुट्टी ना पूरा दिन, आप देखना आराम से, मैं अभी अपलोड कर दूंगा जैसे लेक्चर ओवर होगा उसके बाद। इधर देखो, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल है। अब अगर ये डबल बॉन्ड को हम चाहें तो यहां भी तो लगा सकते हैं ना। तो देखो पेयर बनाओ पहले कि डबल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नंबर 1 और 3 में है, तो 1 2 में भी तो हो सकता है, 1 4 में भी हो सकता है, 2 3 में हो सकता है, 2 4 में हो सकता है, और 3 4 में, इतने पॉसिबिलिटी है। अभी एक यहां बने कैसा, एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस, एक बनेगा ऐसा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस, एक बनेगा ऐसा, इस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस, ओ माइनस। देखिए 1 और 3 में आ गया, 1 और 2 में आ गया, 1 और 4 में आ गया, ये हो गया ये तीनों। ये देखो 2 और 3 में हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे 2 और 4 में, यहां लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ओ माइनस और यहाँ ओ माइनस। देखो 2 और 4 में डबल बॉन्ड आ गया, ये भी हो गया बेटा 3 और 4। बस एक ये ड्रॉ कर दीजिए, एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस, ओ माइनस।
वन टू थ्री फोर, देखो थ्री और फोर में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो ये भी हो गया हमारा। अब हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सल्फर के साथ किसी भी आप एक ऑक्सीजन को चूज करिए, चूज करने के बाद सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाके नंबर ऑफ बॉन्ड को काउंट करिए। यहां आप देखो यहां कितना बॉन्ड है, टू, यहां भी आपको ऐसे ही चूज करना है, यहां भी आपको ऐसे ही चूज करना है, यहां भी ऐसे ही, अलग नहीं होना चाहिए बेटा, हर जगह सेम, एटम सेम होने चाहिए। तो काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छ सेवन एट नाइन, तो टोटल बॉन्ड हो गया नाइन, और डिवाइड बाय टोटल आरएस कितना हो गया, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स हो गया, टू थ्री जा थ्री थ्री जा वन पॉइंट फाइव। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर इसकी वैल्यू है 1.5, ठीक है, समझ गए क्या, इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो वैल्यू है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1.5। क्लियर एवरीवन, बच्चा पार्टी क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया, रिप्लाई करिए फटाफट सारे बच्चों को, ये क्लियर हो गया, ये कैसे आएगा सो। अच्छा मान लो अगर आप ये दोनों एटम को लिए होते, डिवाइड सिक्स कैसे आया, शीतल कितने आरएस हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच छ, फॉर्मूला था ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड जब कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर तो आ ही जाएगा, वही हमने यहाँ किया है, सेम चीज, कुछ भी अलग नहीं है ना, ठीक है। अच्छा अगर आप कोई और भी बॉन्ड लिए होते ना तब भी यही होता, कुछ अलग नहीं, जैसे मान लो आप ये दोनों लिए होते, ये दोनों यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन बाय सिक्स ये आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसे काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा एट नाइन, है ना, नाइन बाय सिक्स यहां भी आ जाएगा। चलिए बाकी ट्रिक्स देखो कैसे निकलेगा बेटा, एस डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस ओ माइनस, हर जगह बेटा एक एक बॉन्ड क्या है, फिक्स है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वन और प्लस, ये दूसरा बॉन्ड है ना एक और एक, ये दो, ये दोनों बॉन्ड चार पोजीशन पे जा रहा है, एक दो तीन चार, दो पाई बॉन्ड जा रहा है चार पोजीशन पे, तो फोर से दोनों साइड अगर डिवाइड कर देंगे तो वन पोजीशन पे कंट्रीब्यूशन कितने का आ जाएगा, वन बाय टू का, मतलब पॉइंट फाइव का। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें तो कितना आ जाएगा भैया, वन प्लस पॉइंट फाइव, ये आ गया वन पॉइंट फाइव, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, इसकी वैल्यू क्या है बेटे, 1.5 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर विच इज इक्वल टू व्हाट, 1.5। इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखो, ठीक है, आगे लेके चलता हूं। दूसरा एग्जांपल था आपका PF4 माइनस 3, P डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस,
इसका आर एस बनाओ, जैसे यहाँ डबल है तो यहाँ भी तो डबल आ सकता है ना, इधर डबल ओ, ओ माइनस और ये ओ माइनस, यहाँ डबल है तो यहाँ डबल लगा देंगे, डबल बॉन्ड ओ माइनस, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, अब हमने बी और ओ के बीच में इधर डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड ओ माइनस और ये ओ माइनस, ठीक है, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो मूव कर रहा है, यहां डबल बॉन्ड है, कभी यहां डबल बॉन्ड है, कभी यहां डबल बॉन्ड है, कभी यहां, मतलब ये रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, चार पोजीशन पे गया, इसके आर एस कितने आ गए हमारे पास, फोर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, फास्फोरस के साथ इसको चेक कर लो, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 5 by 4 1.25, यहां से आ गया बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या, 1.25, तो ये चीज है, ये बात है, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो ट्रिक से भी निकाल सकते थे, ऐसे P डबल बॉन्ड O है, O माइनस O माइनस O माइनस ऐसा, अब अगर आप इसको ट्रिक से निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, हर जगह एक एक बॉन्ड फिक्स है, बॉन्ड ऑर्डर 1+ ये वाला जो बॉन्ड है ना दूसरा, ये चार पोजीशन पे घूम रहा है, 1 bond 4 position, तो 1 position पे कंट्रीब्यूशन कितने देगा बेटा, 0.25 का, 0.25, 1 plus 0.25 कितना हो गया, 1.25, ठीक है, इस तरीके से ये बात है, हमारा 1.25 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.25, ऐसे निकल जाए। एक और क्वेश्चन जो था आखिरी, Cl(O)-3, यहाँ Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस, यहां पे देखो यहां भी बॉन्ड घूमेगा, निगेटिव कभी यहां है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, ऐसा जाएगा, ऐसा होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस डबल बॉन्ड हो, फिर है अपना Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस, ऐसा है, ठीक है, यहां निगेटिव आया, यहां आया, यहां आया और यहां आया, टोटल चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया बेटा। अब आप अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रहे हो तो दो एटम को लो ऐसे, जिन दो एटम को आप चूज किए हैं वही हर बार आपको लेने पड़ेंगे, तो यहां पे दो हमने लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 upon 4 7 by 4 आ गया क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, 7 by 4। अच्छा हम चाहते ना इसी चीज को हम ट्रिक से भी बताते, ठीक है, ये जो बात आप देख रहे हो इसको ट्रिक से भी निकाला जा सकता है, कैसे सर, तो देखो Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और O माइनस, तो ये इस बार एक एक बॉन्ड हर जगह तो फिक्स है ही, 1 आ गया और प्लस, ये 3 bond चार पोजीशन पे घूम रहे, 3 bond चार पोजीशन, एक पोजीशन पे कंट्रीब्यूशन कितने का, 3 by 4 का, 1 plus 3 by 4 कर देंगे,
आ गया 7/4। जैसे कि इधर है ये जो आप देख रहे हो ना 7/4, वैसे ही एग्जैक्ट आपका इधर भी आ गया क्या 7/4। और कुछ नहीं करना है, ये चीज हो गया बच्चों मेरा। तो यहां तक हमने आपको पूरे तरीके से पढ़ा दिया, समझा दिया और बता दिया। अब हम आगे आपको लेके जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। टॉपिक का नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अभी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसको हम लोग शॉर्ट में बेटा बोलते हैं बीबीटी, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बीबीटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बीबीटी के नाम से हम इसको जानते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले बात कि बीबीटी में ये बोला गया कि जब भी दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता, ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल का। ओके, क्या होता है ओवरलैपिंग, किस चीज का, ऑर्बिटल का, समझ रहे हो। हाँ तो बेटा कंसेप्ट आप सुन लो, जैसे मान लो अगर कंसेप्ट समझना है बॉन्डिंग का, तो मैं आपको बॉन्डिंग के कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से इसको याद रखिएगा कि ये जो आप पढ़ने जा रहे हो ना अभी, वो थ्योरी का नाम है बीबीटी, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है इसको ध्यान से समझो, बिकॉज ये टोटली एकदम डिफरेंट है, पहले आपने ऐसा कोई थ्योरी नहीं पढ़ा। देखो अभी तक हम ये कहते थे कि जो बॉन्ड बन रहा है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का डाउट के फॉर्म में होता नहीं है। हम लोग जैसे दिखा देते ना ये डॉट इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, वैसे तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना। इलेक्ट्रॉन होता कैसा, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, और वो रहता कहाँ है बेटा, ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, और कहां रहता है तो ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है। तो कंसेप्ट को आप ध्यान रखो। अब कंसेप्ट क्या कह रहा है, तो कंसेप्ट ये बोलता है बीबीटी का कि अगर आपको दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है, तो सीधा बात आप ध्यान रखिए कि एक एटम इधर से आएगा चल के, एक एटम इधर से आएगा, और इनके ऑर्बिटल आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवरलैप, एक दूसरे में कोलैप्स करेगा ऐसा, इसी को हम बोलते हैं बेटा ओवरलैप, ओवरलैप ऐसा, ठीक है। एक एटम इधर से आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है, इधर वाले एटम का ये है ऑर्बिटल, इधर वाले एटम का ये है ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब ऐसे 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 जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इसी के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इसी तरीके से जब भी ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल का, तो हम इसको नाम देते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बीबीटी का ये कंसेप्ट है, समझ रहे हो मेरी बात। सीधा बात यह है कि अगर दो एटम के बीच में आप बॉन्ड बनवाना चाहते हो, तो उनको पहले क्लोज लाना पड़ेगा। अच्छा एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, बोले चलो बॉन्ड बना लेते, तो बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड बनाने के लिए इनको पहले क्लोज आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा, और पास आएंगे ऐसा, ठीक है। एक है यहाँ बैठा हुआ और दूसरा कहीं और बैठा हुआ,
बोलेगा चलो बॉन्ड बनाते, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बॉन्ड बनने के लिए क्या कंसेप्ट है कि एक एटम को आना पड़ेगा इधर, दूसरे को आना पड़ेगा इधर, दोनों चलते हुए आएंगे ऐसा ऐसा टक टक, अभी ऐसे ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। ये जो ओवरलैप हो रहा है, इस ओवरलैपिंग से मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो बेटा एक ने दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का यूज किया, दूसरे ने फर्स्ट वाले के ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यूज किया, ठीक है? तो समझ लो इस तरीके से दोनों की जो कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन रखने की वो कंप्लीट हो जाएगी, और इसी से क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गया कि आपको? पीबीटी में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एटम को क्लोज आना पड़ेगा, और कोवेलेंट बॉन्ड में वैलेंस सेल का जो ऑर्बिटल होता है वो पार्टिसिपेट करेगा, और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग सर? जैसे देखो बेटा, जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एक है बुक, ये एक है बुक ऐसा, ठीक है? ऐसे बुक है, देखो ऐसा, तो ये चलता हुआ आ रहा है ऐसा ऐसा ऐसा। देखो ये बुक इसके ऊपर आ गया इस तरीके से, ये दोनों में एक दूसरे के ऊपर है ना, जिसको बोलेंगे ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको? ओवरलैपिंग, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब ये वाला बुक इसमें चला गया और ये वाला बुक इसमें चला गया, तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया हमारा? ओवरलैपिंग हो गया। बस इस चीज को आप ध्यान रखना। तो बच्चों अच्छा बताइए, अगर ऐसे ओवरलैपिंग कराना है तो अगर दूर दूर रहेगा तो ओवरलैपिंग हो पाएगा क्या? नहीं। अगर यहां है तो ओवरलैपिंग हो पाएगा क्या? नहीं। तो पहले इसको चल के पास आना पड़ेगा, पहले पास आएगा फिर ओवरलैपिंग होगा, ठीक है? तो बच्चों अब ये जो चलेगा ना तो एक दूसरे के तरफ चलना पड़ेगा। मान लो एक इधर आ रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। ओवरलैपिंग के लिए इन दोनों को एक दूसरे के तरफ चलना पड़ेगा, ओके? तो यहां पे मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहां पे सीधा सीधा मैं बता दूं कि भैया यहां पे बता दूं सीधा सीधा, तो अब ये याद रखो कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी, अकॉर्डिंग टू बीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम मस्ट बिकम क्लोज must become close to each other such that their atomic orbital combine with
combine with each other combined with each other combined with each other this combination this combination of orbital this combination of orbital is known as overlapping of orbital ये जो combination है ना बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बोलते हैं, ओके तो सबसे पहली बात समझ लेना यही है बीबीटी क्योंकि पहले हम क्या बोलते थे कि बॉन्ड बनता है तो भाई उसके लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डायरेक्ट करा देते थे लेकिन अभी वो बात नहीं है अभी क्या बात है सर अभी बात है बेटा कि सीधी बात कि बॉन्ड अगर बनाना है एटम को क्लोज लाना पड़ेगा जब एटम क्लोज आएगा ना तभी आपका बॉन्ड बनेगा और जब वो क्लोज नहीं आएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा और मान लो जब वो क्लोज आ गया तो क्लोज आने के बाद होता है कि उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होंगे और उसी कॉम्बिनेशन को ठीक है हम लोग क्या बोलते हैं भाई उसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ठीक है तो ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को आपने ध्यान रखना है ओके बच्चों तो ये बात हमने यहां तक आपको बता दिया सबसे पहली बात तो ये कि एटम को एक दूसरे के तरफ चलना पड़ेगा जब तक वो चलेगा नहीं एक दूसरे के तरफ तब तक वो एक दूसरे के तरफ क्लोज नहीं आएगा और जब तक क्लोज नहीं आएगा तब तक उसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन भी नहीं करेंगे कंबाइन करने के लिए चलना तो उनको पड़ेगा ठीक है भैया बेटे ठीक है ना अब आगे बढ़ जाता हूं अब आगे हमारा है कि भैया बीबीटी को किसने दिया बीबीटी देने वाले महारथी का क्या नाम है नाम क्या है उन महारथी का कंसेप्ट है बच्चा कि कंसेप्ट ऑफ बीबीटी was proposed by या was introduced introduced by Hitler and London समझ रहे हो तो बेटा सबसे पहले बीबीटी कॉन्सेप्ट किसने दिया हिटलर एंड लंडन किस लिए टू एक्सप्लेन हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ये चीज बताने के लिए ओके तो ये है हमारा बात ये कंसेप्ट तो इस तरीके से एंड इसको बच्चों फर्दर एक्सटेंड किया गया ठीक है इट वाज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर Pauling and Slater ये दो साइंटिस्ट हैं जो उसको एक्सटेंड किए इस थ्योरी को और आगे बढ़ाए है ना तो ये बात है बेटा ये कंसेप्ट प्यारे बच्चों ये बातें हैं तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी और आप सीख रहे होंगे फिर से देखो
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बता दिया कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी कंसेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम मस्ट बी कम क्लोज टू इच अदर सच दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड विद इच अदर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ठीक है एंड कंसेप्ट ऑफ बीबीटी was introduced by Hitler and London and to explain how to form covalent bond it was extended by Pauling and Slater ab yahan ek baat samajh lo ki maan lo beta ye koi atom hai a aur ye koi atom hai b theek hai to isko agar b ke sath bond banana hai aur a ko bond banana hai b ke sath aur b ko a ke sath यहाँ पे ए का न्यूक्लियस है और इधर बी का न्यूक्लियस है सीधी बात समझ लो बेटा कि पहले एक दूसरे को क्लोज जाना पड़ेगा तो देखिए ये अगर ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है सीधी बात अब समझो कि जब तक ये यहाँ आएगा ना तब तक ये कहीं और चला जाएगा ऐसे में बॉन्ड नहीं बनेगा पहले क्लोज तो आए क्लोज आएगा तब ना ओवरलैपिंग होगा बेटा अब दूसरा अगर ये जा रहा है एटम ए इधर और ये जा रहा है एटम बी इधर तो जब तक ये यहाँ आएगा तब तक ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ भी ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगा यहाँ भी बॉन्ड नहीं बनेगा दूसरी बात और देखो बेटा अगर ये एटम ए इस बार इधर चला गया और एटम बी इस बार इधर चला गया तो जब तक एटम भी इधर आएगा तब तक ये नीचे चला जाएगा यहां भी बॉन्ड नहीं बनेगा ठीक है ना सर कब बनेगा वो बताओ नहीं बनेगा सो बता रहे हो तो कौन है जो बनाएगा तो देखो बेटा जब एटम ए ऐसे जाएगा और एटम बी ऐसे आएगा ये दोनों एक दूसरे के तरफ जब आएंगे है ना भागते हुए तो क्या होगा कि फिर ये क्लोज आएंगे और क्लोज आने के बाद इनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइन करेगा एंड कंबाइन करने के बाद बॉन्ड का वो आपस में फॉर्मेशन करेगा तो ये चीज है बेटा ये कंसेप्ट और ये क्राइटेरिया इन कंसेप्ट क्राइटेरिया को आपने ध्यान में रखना है ओके ठीक है अब देखो बेटा ये एटम ए है जो इधर जा रहा है और ये एटम बी है जो इधर जा रहा है एक दूसरे तरफ बेटा ये किसी ना किसी एक्सिस पे चल रहे होंगे ठीक है एटम ए चल रहा है किसी एक्सिस पे और एटम बी भी चल रहा है किसी एक्सिस पे एटम ए और बी दोनों ही किसी ना किसी एक्सिस पे चल रहे होंगे और ये एक्सिस एक्स हो सकता है वाई हो सकता है या जेड हो सकता है इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है आइदर एक्स वाई और क्या जेड है ना एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ये बात का आप ध्यान रखिए तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भैया ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर एक्स वाई जेड कुछ भी होता है तो बेटा अगर ये एक्स एक्सिस पे चल रहे होंगे एक्स हो गया वाई पे चल रहे होंगे तो वाई हो गया और अगर जेड पे चल रहे होंगे तो जेड हो गया अब मैं आपको बता दूं ये जो एक्स वाई जेड है ना इसको हम क्या बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ठीक है तो ये बात है हमारा ये हो गया बेटा हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है ठीक है बच्चों ये एक्स वाई और जो जेड आप देख रहे हो ये क्या है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सर वाई इट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बेटा इंटर का मतलब होता है डिफरेंट इंटर मीन्स व्हाट डिफरेंट ठीक है जैसे एटम ए का न्यूक्लियस और एटम बी का न्यूक्लियस
मतलब दो डिफरेंट न्यूक्लियस इस एक्सिस में प्रेजेंट है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA के नाम से जानते हैं। तो बेटा जिस भी एक्सिस पे ये दो एटम एक दूसरे के तरफ चलेंगे उसी एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, तो ये चलना चाहिए इधर और ये चलना चाहिए इधर, तो ये देखो ये चलना चाहिए इधर और ये चलना चाहिए इधर, इसको हम लोग क्या बोल रहे बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई या जेड, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बात है, ये कंसेप्ट है, क्लियर है बच्चों यहां तक आपको, एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई या कोई डाउट है? बच्चों ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेन पॉइंट ऑफ बीबीटी, मतलब ये कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है मेन पॉइंट्स ऑफ बीबीटी। सो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना है ना, अब बाद में इसी को अप्लाई करना है। तो सीधा बात आप समझ लो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर दो एटम है, अगर दो एटम है और ये आपस में बॉन्ड बनाना चाह रहे, मान लो ये एटम है दोनों, है ना, और ये बॉन्ड बनाना चाह रहे, तो इनको पहले सफिशियंटली क्लोज आना पड़ेगा। जब तक ये क्लोज नहीं आएंगे तब तक इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, ओके। तो जब भी आप चाह रहे हो कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बने, तो अगर ये एटम है और ये एटम है, इनको सफिशियंटली क्लोज आपको लेके आना पड़ेगा। जब इन्हें आप क्लोज लेकर आओगे तो ऐसा ये जो पोर्शन है ना ऐसे जो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा ओवरलैपिंग। तो आपको क्लोज लाना पड़ेगा ताकि इनके बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा तो समझ जाना कि ओवरलैपिंग का मतलब ही है कि बॉन्ड का बनना, ठीक है। तो पहले तो बेटा आप सफिशियंटली उसको क्लोज डिस्टेंस पे लाओ, क्लोज डिस्टेंस पे जब आप लाएंगे और उनमें जब ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो समझ जाना इनके बीच में बॉन्ड बनने लगा। फिर से सुनो, ये एटम है, ये एटम है, ये ऐसे आ रहा है, अभी बॉन्ड नहीं बना, अभी नहीं बना, अभी नहीं बना, अभी नहीं बना, अब देखो बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। कैसे सर? क्योंकि ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गया बेटा। ओवरलैपिंग ऑलवेज किसका होता है? ऑर्बिटल का होता है। ये बात आपने ध्यान रखना है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और उन्हीं का ओवरलैपिंग होता है। अब आगे की बात समझ लो कि जब भी ये ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं ऐसे, तो ये ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यूज इधर होगा और इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यूज इधर होगा। अब मुझे बताओ एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है बेटा? तो दो इलेक्ट्रॉन।
और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रहते हैं, कभी भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे आ रहा है, और ये दोनों जब ऐसे ओवरलैप करेगा तो सीधा बात है कि बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों मिलके एक हो गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ये यूज कर रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन ये यूज कर रहा है। ओके, तो कंसेप्ट है अगर एक ऑर्बिटल ये बन गया दो मिलके, तो वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होने आ रहे हैं वो हाफ फील्ड नेचर के होने चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाफ फील्ड नेचर? तो बेटा हाफ फील्ड नेचर का मतलब ये है कि उनके ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही टाइप का अलग अलग ओवरलैपिंग होगा। अगर एक ओवरलैपिंग का मैं बात करूं, इसके लिए हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। कहां पे? ऑर्बिटल में, ठीक है। इधर से ये ऑर्बिटल है, इधर से ये ऑर्बिटल है, अगर ये ओवरलैप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा कि स्पिन अपोजिट, देखो ये अपवर्ड जा रहा है तो ये डाउनवर्ड, ऐसा स्पिन अपोजिट। अब ये ऐसे 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 क्लोज आएंगे और इस तरीके से ऐसा होगा। अब देखो ये दोनों, ये ऑर्बिटल और ये मिलके वन ऑर्बिटल हो गया, एंड वन ऑर्बिटल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन बेटा विथ अपोजिट स्पिन। दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज गोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटे? बोलो जरा, देख रहे हो ये चीज हो गया, समझ रहे हो? तो जो दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, उसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी जाकर वहां पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है भाई। ये डॉट डॉट से कौन है नाम बताओ, वरना मैं एग्जिट करा दूंगा अभी। ये डाउट डूट नहीं बेटा, अपना अपना नाम लेकर आएंगे, है ना? पता नहीं चलता ये कौन है भाई, डाउट से आ गया है। ये जो डॉट है, डॉट वो कौन है भाई, नाम क्या आपका? ये जो डॉट से है, जो भी जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है डॉट नेम से, मतलब कोई नाम नहीं है, सिर्फ डॉट 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 आ रहा है, आपका नाम क्या है मुझे मैसेज करिए, कौन हो भाई आप? अरे नाम तो बताओ यार, नाम नहीं बताओगे मैं फिर अभी आपको बाहर कर दूंगा यहाँ से। उनको पता तो होना चाहिए कौन बच्चा है भाई। नहीं बता रहे हो? ओके जाइए फिर आप बाहर। अरे ये डॉट वाला आपका नाम क्या बेटा, जो आप जूम में ज्वाइन किए हो डॉट से, नाम क्या आपका?
है, छोड़ इसको बाद में देखते हैं। चलो यहां आ जाओ, हमने यहां पे बेटा ही आपको बता दिया कि मेन पॉइंट ऑफ ईबीटी जो बताने जा रहे हैं, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले हमको बतानी है, वो आप समझ लो कि बाबू एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो ऐसा इधर से मान लो आ रहा है और जो ऐसा इधर से आ रहा है एक दूसरे की तरफ ओवरलैप करने क्लोज ऐसा आ रहा है, तो यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां भी एक ही होना चाहिए। अगर स्पिन यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, तब जाके ये बाद में ऐसे ओवरलैप करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और इसका यहाँ, अब ये भी दो इलेक्ट्रॉन रख रहा है और ये भी दो इलेक्ट्रॉन रख रहा है ऐसे, इसके और इसके दोनों की कैपेसिटी फुलफिल हो गई है ना। तो ये आ गया हमारा मेन पॉइंट ऑफ ईबीटी का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो याद रखना कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जिन एटॉमिक ऑर्बिटल का आप यूज कर रहे हो ओवरलैपिंग करवाने के लिए, उन ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ये हाफ फिल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है हमारा हाफ फिल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर से हाफ फिल्ड अनपेयर्ड, इधर से हाफ फिल्ड अनपेयर्ड, ये भी हाफ फिल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी हाफ फिल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाएंगे जब आपस में तो ये ओवरलैप कैसे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे, अब इस दो का यूज इधर होगा और इसी दो का यूज इधर भी होगा, ठीक है, तो बन गया बॉन्ड। और हमेशा याद रखना कि जितना बॉन्ड आपको बनाना हो हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन लगता है, मतलब हर बॉन्ड के लिए आपको ओवरलैपिंग कराना पड़ेगा, ठीक है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो बेटा बॉन्ड भी नहीं बनेगा, ये बात भी ध्यान रखना। दूसरी बात ये समझ लो, अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में ऐसा दो इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे लोन पेयर, ठीक है, और दूसरा ये बेटा वैकेंट ऑर्बिटल, ये अगर अप्रोच कर रहा है, देखिए इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास दो है, ऐसा ओवरलैपिंग हो गया यहां, ठीक है, तो बेटा हाफ फिल्ड वाला का जब ओवरलैपिंग होगा ना तो बनेगा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर फुली फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा ना तो यहां पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखो, ये बात हो गया कि अगर मान लो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना हो, एक साइड से ऐसे ऑर्बिटल लीजिए जिसमें लोन पर इलेक्ट्रॉन है और दूसरे साइड से ऐसा ऑर्बिटल लीजिए जो वैकेंट है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, ये चीज हो गया। इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, इस क्राइटेरिया को ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, जैसे मान लो ऑर्बिटल है तो ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा ऐसा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये दो इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गया और ये दो इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गए दोनों साइड, ठीक है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन का यूज इधर भी होगा
और इस दो इलेक्ट्रॉन का यूज इधर भी होगा, ठीक है। तो ये जो बन गया ये क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनवाना हो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही, है ना। जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना बॉन्ड बनाएगा, या जितना बॉन्ड बनाना है उतना अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे। आगे देखो बेटा, दूसरा ये है, एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से इस ऑर्बिटल का दो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और इसका तो कुछ है ही नहीं, मतलब इस दो इलेक्ट्रॉन का यूज इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। तब याद करो, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज नोन एज व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बता दिए। अब एक बात और बता दूं बच्चों, ठीक है, कि जैसे आप ये जो ऑर्बिटल्स जिनका आप यूज करेंगे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड, तो मतलब ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है बेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके हो रहा है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ओवरलैपिंग हो रहा है। तो मतलब अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ओवरलैपिंग होगा तो जो बॉन्ड भी बन रहा है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके बनेगा। इसीलिए बेटा हम लोग बोलते हैं क्या कि कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा हो गया बेटा, डायरेक्शनल नेचर का हो गया। वही चीज है यहाँ पे कि कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। क्यों भैया डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि जब आप कोई ऑर्बिटल यूज करोगे और ये ऑर्बिटल यूज करोगे तो पहले ये दूसरे की तरफ चलेगा, चलने के लिए एक्सिस डिसाइड हम करेंगे आइदर एक्स वाई या तो जेड। अगर आई एन ए जेड है तो जेड पे चलेगा, आई एन ए वाई है तो वाई पे चलेगा, और आई एन ए एक्स है तो एक्स पे चलेगा। अगर एक्स पे चला तो बॉन्ड एक्स पे बनेगा, अगर वाई पे चला तो बॉन्ड वाई पे बनेगा, और अगर जेड पे चला तो बॉन्ड कहाँ बनेगा बेटा, जेड पे बनेगा, है ना। बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं। अब आगे बढ़ जाओ जरा, तो यहाँ पे सारी बात बता दी, उसके बाद और याद रखो बेटा कि जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है ना बेटा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो एक आयास इतना ही ओवरलैप किया, एक आयास को ज्यादा ओवरलैप किया, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, तो जहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगा वहां के बॉन्ड का मजबूती भी बच्चों उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बेटा बॉन्ड का जो एनर्जी है वो ज्यादा होगा, मतलब सारा चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, बिल्कुल समझ रहे हो। तो ये बात भी आप एकदम ध्यान रखना, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, कहानी समझ रहे हो। चलिए अब सारे पॉइंट्स अब आपको यहाँ लिख के बताता हूँ क्या क्या आपने बताया। मेन पॉइंट एमपी ऑफ बीबीटी, पहली बात क्या है भैया, टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड
to form covalent bond. Atomic orbitals must come closer या must come sufficiently close to each other such that they start overlapping ठीक है such that they start overlapping ठीक है पहली बात ये समझ लो और बेटा हमेशा याद रखो जैसे ये है ना एटम ये चलेगा इधर और ये चलेगा इधर और ये चल क्यों रहा है ताकि ये सफिशियंटली डिस्टेंस में आ जाए क्लोज है ना और ओवरलैपिंग स्टार्ट हो अब ये जिस एक्सिस पे चलता है ना बच्चों उसको हम बोलते हैं आई एन ए मीन्स व्हाट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है कभी भी दो एटम के बीच में आपको बॉन्ड बनाना हो आपको पहले सिलेक्शन करना पड़ता है आई एन ए का मीन्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का जब आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का सिलेक्शन करते हो उसके बाद वहां बन जाता है बेटा क्या बॉन्ड बॉन्ड बन जाएगा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे है ना कोई दिक्कत वाली बात फिर यहाँ पे नहीं है समझ में आ गया बच्चों बात समझ में आ गया या नहीं आया एवरीवन रिप्लाई मी बात समझ में आ गया नहीं आया ठीक है अब दूसरी चीज दूसरी बात समझ लीजिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको हमने जस्ट बताया कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव हाफ फिल्ड नेचर विथ अपोजिट अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल जो है ना वो मस्ट हैव क्या होना चाहिए हाफ फिल्ड नेचर विथ अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा अगर ये ऑर्बिटल आ रहा है ना ऐसा इधर अगर है इधर ऐसा होना चाहिए ठीक है इसी को बोलेंगे हम लोग हाफ फिल्ड तो ऐसा चलता हुआ जाएगा ये दोनों जब ओवरलैप करेगा तो देखिए यहाँ पे दो आ गया ये भी दो रख रहा है ये भी अब आपको पता होना चाहिए ना कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा तो रहेगा नहीं तो ओवरलैपिंग होने के बाद भी दो से तो ज्यादा तो नहीं रख पाएगा ना मान लीजिए अगर आपने ऐसे कर दिया इधर से दो इलेक्ट्रॉन ले लिए इधर से सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लिए अब देखो अगर ओवरलैपिंग आपने करा दिया कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक साथ एक दो तीन और एक ऑर्बिटल में तीन तीन इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्या बेटा ना इसलिए ये नहीं बनेगा बस एक ही बात याद रखो जितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाना आपको उतना अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए देखो इधर अगर इधर से आ रहा है एंटी क्लॉक इधर क्या करेंगे क्लॉक वाइज ये इधर जाके जब ओवरलैप करेगा इधर आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन इधर भी और इधर भी हो गया ना ओवरलैपिंग क्या है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव हाफ फिल्ड नेचर विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है यहां पे वही चीज है
four coordinate bond to be formed. Four coordinate bond to be formed. For coordinate bond to be formed, vacant orbital of one atom will overlap with fully filled orbital of another atom. जो पढ़ाया हो पहले वही चीज आप लिख के दिखा रहा हो और वापस से सारी पॉइंट एक्सप्लेन करो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आपके पूरे दिमाग में सेट हो जाती हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बेटा, four coordinate bond to be formed, vacant orbital of one atom will overlap with fully filled orbital of another atom, ठीक है। यहाँ पे बात ये मान लो इधर से हम ले रहे fully filled, तो दूसरे साइड से क्या लेंगे vacant, यहाँ coordinate बन जाएगा। अगर मान लो ये vacant है और ये fully filled है, ये इधर से क्या कर ले coordinate, कैसे सर? बेटा जी ऐसे देखो, ये अगर ऐसे ओवरलैप कर गया इधर से दो हो गया ना, इधर से दो, इधर से जीरो, तो हो गया ना दो दो दोनों में, इधर भी और इधर भी, और ये ओवरलैप करने के बाद इधर से दो, इधर से कुछ भी नहीं, दी हो गया ना दो, कहानी खत्म, और कुछ भी नहीं इससे ज्यादा, है ना। इसी तरीके से आपने करना है प्रॉब्लम को सॉल्व। बात समझ में आ गया क्या? तो ये चीज है यहाँ का, ये कंसेप्ट है यहाँ, इस कंसेप्ट क्राइटेरिया को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब बेटा हम आपको आगे बता दे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का है कि भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है बच्चों, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब समझ रहे हो, मजबूती बॉन्ड का, जो जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड रहेगा उसको तोड़ने में आपको उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये चीज डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में, कितना ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ। जैसे आप इधर देखिए, अगर आप देखोगे ये ऑर्बिटल है, अब ये ओवरलैप कर गया, ये ऐसे आके रुका हुआ है, इतना थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, ऐसे करोगे ब्रेक हो गया। लेकिन अगर यहां तक चला गया, अभी ओवरलैपिंग एक्सटेंट क्या है, ज्यादा, अभी ब्रेक करने में एनर्जी लगाना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज्यादा है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है और ना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो बच्चों अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं और आगे की बात बता दूं, हमेशा मेरी बात को जरा गौर से सुनना। ये जो टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल है, ये हाइपोथेसिस है, ये सारी बातें ध्यान रखोगे क्वेश्चन बनेंगे थर्ड थर्ड ऐसा एकदम खटाखट, और नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अब यहीं पे मैंने आपको बात बताया बेटा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा
बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, लेकिन कभी भी ओवरलैपिंग 50% के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 50% ओवरलैपिंग होने के बाद वहां पे रिपल्सन बढ़ जाता है और रिपल्सन के वजह से ओवरलैपिंग ब्रेक कर जाता है। माय डियर स्टूडेंट, हम आपको ये बता रहे, पहले तो ये बोले कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ, लेकिन कभी भी 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। अब अगर 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग करा दोगे तो भैया वो बॉन्ड ही नहीं होगा। तो अगर आप जब भी ओवरलैपिंग में एक्सटेंट चेक करो तो 50% के नीचे रह के चेक करो, ठीक है। जैसे अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो इतने से ज्यादा ओवरलैप कर सकता है क्या? नहीं, इतना ज्यादा नहीं कर सकता। पर हम ये बोलेंगे इतने में जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उसका एक्सटेंट ओवरलैपिंग उतना ज्यादा और उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? ये बात आप ध्यान रखना बेटा। अब देखो इधर, यहां पे मैं आपको बता दूं, सीधा बात याद रखिएगा, कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन फिफ्टी परसेंट अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन विल बी वेरी हाई, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग जो है ना वो लेस देन होना चाहिए 50%, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का जो रिपल्सर है ना बेटा वो बहुत ज्यादा हो जाता है, शुड बी वेरी हाई, ठीक है। तो ये चीज है, ये बात समझ रहे हो। अब बेटा जो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग है ना वो 2-3 बातों पर डिपेंड करता है, वो क्या क्या है वो आपको मैं बताऊंगा समझाऊंगा। पर पहले ये समझ लो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है ना शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए 50%, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन विल बी वेरी हाई। मतलब अगर एक एटम ऐसा है, इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो मिड पॉइंट में रहता है, दूसरा एटम ये इसका न्यूक्लियस है। अब अगर आप ओवरलैप करा रहे हो तो 50% ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? ओवरलैप करने के बाद इसका बैलेंस सेल इसके न्यूक्लियस से क्रॉस होगा और इसका बैलेंस सेल इसके न्यूक्लियस से क्रॉस होगा, उससे क्या होगा बेटा, ये दोनों न्यूक्लियस एकदम पास पास आ जाएंगे और पास पास आने के वजह से इनका रिपल्सन होगा बहुत ज्यादा, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखना, तो न्यूक्लियस अगर क्लोज आ गए, पास पास आ गए, इसका रिपल्सन क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अब बेटा आज के लेक्चर को ना यहीं ओवर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं भी नहीं आए, है ना, तो इसके आगे कल मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया बेटा? प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन।
ओके जी हाँ ना ओके ओके।